তোমাতে আমি লাকি একসাথে ভালো। हाल ही में होइचोई पर बंगाली ड्रामा फिल्म स्ट्रीम हो चुकी है। 1.5 करोड़ के बजट की फिल्म को परमव्रत चटर्जी ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में परमव्रत चटर्जी, कोयल मलिक, अंजन दत्त, कंचन मलिक ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है। फिल्म को लिखा है परमव्रत चटर्जी और अनिरुद्ध दास गुप्ता और संगीत है अनुपम रॉय का, जबकि बैकग्राउंड स्कोर नबरून बोस ने दिया है। फ्रेंड्स, आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग साहित्य और सिनेमा। If you have not subscribed our channel yet, then do it and press the bell icon so that you can get our latest updates. क्या है स्टोरी? कहानी है मिलान, इटली में रहने वाले एक कपल की, जिनके बच्चे में अजीब शक्तियां हैं, जिनके वजह से उसके पेरेंट्स की लाइफ कैसे बदल जाती है, यही आगे की कहानी है। मिलन के रहने वाले बंगाली जोड़े सब्यसाची यानी परमव्रत और प्रतिभा यानी कोयल के बेटे बोनी के एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ पैदा होने के बाद उनके लिए जीवन बदतर हो जाता है, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो जाता है कि चीजें उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। बांग्ला सिनेमा में अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत के लिए बोनी और परमव्रत बधाई के पात्र हैं। हालांकि जब वैश्विक सिनेमा या ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात आती है तो साइंस फिक्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक ऐसी शैली है जिसे बंगाली सिनेमा शायद ही कभी छूता है। किसी भी फिल्म के लिए अधिकांश साइंस फिक्शन फिल्में महान दृश्य प्रभावों की मांग करती है और दूसरा, इस तरह के निर्माण के लिए बजट बहुत अधिक हो सकता है। इसमें शामिल सीजीआई के लिए धन्यवाद, लेकिन इस विभाग में बोनी का स्कोर काफी ऊंचा है। दृश्य प्रभाव काफी प्रभावशाली है। हालांकि बंगाली पात्रों द्वारा अभिनीत होने के बावजूद फिल्म बंगाल या कोलकाता से थोड़ी दूर महसूस करती है और इस प्रक्रिया में घरेलू दर्शकों के साथ संबंध विच्छेद का जोखिम होता है। सब्यसाची, प्रतिभा और निर्वासन में अमेरिकी वैज्ञानिक सौगत उस्मान यानी अंजन दत्त और निश्चित रूप से कंचन द्वारा निभाए गए कोलकाता स्थित स्वयंभू वैज्ञानिक के अलावा अधिकांश पात्र उच्चारण भारी अंग्रेजी या इतालवी में बोलते हैं। लेकिन हाँ, मुख्य किरदारों के अभिनय से कोई कुछ नहीं छीन सकता। परमव्रत से लेकर कोयल, अंजन, कंचन और विदेशी कलाकारों तक लगभग सभी ने अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय किया है। कुछ पात्र अतिरिक्त हैं जो जगह से बाहर दिखते हैं, जैसे कोयल के आनुवंशिकी विद सहयोगियों को फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। कोयल से बातचीत के दौरान वे थोड़े बीमार भी लगते हैं, लेकिन बाकी विदेशी कलाकारों ने अपनी लाइनों को परफेक्शन तक पहुंचाया है। हालांकि अन्यथा बहुत अच्छी तरह से बनाई गई फिल्म निश्चित रूप से एक या दो मुस्कुराहट को आमंत्रित करेगी, क्योंकि निर्माताओं ने स्थिर नवजात बोनी को दिखाने के लिए एक जीवन जैसी गुड़िया का उपयोग करने का फैसला किया। यद्यपि परमव्रत और कोयल अपने बच्चे के ठीक आसपास भाव रखते हैं, गुड़िया एक गुड़िया है, चाहे वह जीवन जैसा भी हो। इस फिल्म में सीजीआई के कुछ अच्छे उपयोग से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता था, खासकर क्योंकि दर्शकों को आज आश्चर्यजनक दृश्य प्रभावों के लिए उपयोग किया जाता है, जो इंटरस्टेलर यात्रा या अराजक खूनी युद्ध क्षेत्र को निर्दोष रूप से वास्तविक बना सकते हैं। इसके अलावा सब्यसाची, प्रतिभा और उस्मान को अत्यधिक प्रशिक्षित हथियारों या सुरक्षा गार्डों पर हावी होने या यहाँ तक कि उन्हें मारते हुए दिखाने वाले बिट्स बहुत दूर की कौड़ी लगते हैं। सब कुछ कहा और किया, बोनी एक उबाऊ फिल्म तो नहीं है, लेकिन जिस तरह की साइंस फिक्शन हम अक्सर देखते हैं वैसा कुछ भी फिल्म में नहीं है और ये एक थ्रिलर है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। कुछ हद तक त्रुटिपूर्ण, लेकिन फिर भी एक अच्छी फिल्म है। निसंदेह परमव्रत की बैशी श्रावण के बाद अब तक की सबसे बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में से एक कहा जा सकता है। अंजन दत्ता पूरे समय में समान रूप से सनसनीखेज थी। सचमुच अंजन दत्ता द्वारा किया गया शो स्टॉपर अभिनय अच्छा है, एक बार देखी जा सकती है, क्योंकि बंगाली फिल्म में इतना बड़ा प्रयोग कम ही फिल्मों में देखा गया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।